ਰੋਪੜ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ। बदले की भावना से की गई है और सीधा का सीधा ये जो कुछ किया जा रहा है ये बकायदा मैं समझता हूँ पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब का जो इतिहास है, पंजाब का जो इथॉस है उसके खिलाफ। और ये सरकार जिसने कहा था हम बदलाव की राजनीति लाना चाहते हैं, ये बदलाव की राजनीति, ये मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान को, ये राजनीति है जो आप कर रहे हो? एक नौजवान हमारी साथी जो हैं, हमारी बेटी जो है, हमारी बहन जो है, उनको आप इधर लेकर आए और आज कह रहे हो। पहले तो 2 घंटे एसएसपी ने दफ्तर के बाहर रखा सभी को, सारी टॉप कांग्रेस की लीडरशिप, और अब कह दिया कि इनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं करवाएंगे क्योंकि फाइल ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बुला रखी है। इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करवाएंगे, ये कसूर आप देखिए, पहले 26 की डेट फिर 27 पर कन्वर्ट की, उसके बाद आज अगर आए हैं, पिछले 4 घंटे से इतना समुची सारी कांग्रेस की लीडरशिप इधर, और इधर कह दिया कि आकर आप वहाँ जाकर अपनी हाजिरी लगवा लीजिए। हमने कहा लेडीज आई हुई हैं, हमारे में से किसी को लेकर जाना पुलिस स्टेशन ले जाइए, कोई बात नहीं। मगर ये पंजाब में 75 साल में किसी पॉलिटिकल जमात ने अभी तक, ये एक नई, पहली दफ़ा मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट, इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया जिसकी भारी कीमत आते टाइम में ये आप वालों को भुगतनी पड़ेगी। एक मैं आपको बताऊँ, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को पहले भी सियासी पार्टियों को ये गलत फहमी थी हम 25 साल नहीं जाएंगे। ये इनको मैं बता दूं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और ये देख लीजिए, आपने जो बीज आज बो रहे हो ये फसल भी किसी दिन आपको काटनी। अगला कदम।